नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। डेनमार्क के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। पृथ्वी से 897 प्रकाश वर्ष दूर की विपरीत दिशा में घूमते दो तारों वाले दुर्लभ ग्रह मंडल की खोज। टाइम्स पत्रिका के 100 उभरते नेताओं में 5 नाम है भारतीय मूल के। ब्रिटेन के वित्त मंत्री सुनक का भी है नाम शामिल। आज विश्व भारती की दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस संबोधन में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज है मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले वीर नायक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन। पश्चिम भारत में रखी थी मराठा साम्राज्य की नींव। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज मथुरा दौरा रद्द किया गया। अब 23 फरवरी को जाएगी मथुरा। किसान महापंचायत में होना था शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रयागराज। गंगा आरती में होंगे शामिल। इसके साथ ही विहिप के शिविर में गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर करेंगे विचार मंथन। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज से फिर करवट ले सकता है मौसम। कई राज्यों में है बारिश की संभावना। लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज देंगे धरना। रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। आज देहरादून पहुंचेंगे कई राज्यों के पुलिस अधिकारी। कुंभ को लेकर होगी बड़ी बैठक। मोटो E7 पावर भारत में आज होगा लॉन्च। मिलेगा 12 कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी। टाइम मैगजीन ने जारी किया 100 उभरते नेताओं की सूची, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर का भी नाम है शामिल। अरबों की संपत्ति का लखनऊ में LDA आज करेगा निस्तारण। DM कैंप ऑफिस में होगी बैठक। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुल्क जमा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों के पास आज है आखिरी मौका। कल तक दे सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। विस्तारित पड़ोसियों समेत 10 पड़ोसी देशों के साथ एक आयोजन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, एकजुटता के बिना एशिया की नहीं हो सकती है 21वीं सदी। कोविड टीकाकरण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। 94 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। दिशा रवि के व्हाट्सएप चैट लीक होने के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी सफाई। कहा, हमने लीक नहीं की दिशा की चैट। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रोकी ट्रेन। अभी भी हाई अलर्ट पर है रेलवे व उत्तर प्रदेश सरकार। बिहार के रोहतास में डकैती की साजिश रचते 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। चोरी की बाइक समेत कई सामान हुआ बरामद। जालंधर में किसानों के साथ कांग्रेसी नेताओं ने भी किया प्रदर्शन। स्थिति सामान्य करने में लगा रहा रेलवे और पुलिस प्रशासन। साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। वहीं सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग ने 925 करोड़ में खरीदा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर चुने गए KK मेनन। सोशल मीडिया पर फैंस को किया शुक्रिया। भाजपा में शामिल होंगे मेट्रो मैन ई श्रीधरन। 21 फरवरी को लेंगे पार्टी की सदस्यता। ICSE ने जारी की रिजल्ट घोषित करने की तारीख। 25 फरवरी को जारी होगा और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के नतीजे। UP के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जनपद के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय तथा सुदामापुरी में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का किया निरीक्षण। इस मौके पर CMO को दिया गया निर्देश, जिले के सभी वेलनेस सेंटर में पहुंचाई जाए सभी सुविधाएं। UP के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। नगर उद्योग व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष पद हेतु मोहित रावत को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। 5 पदों के लिए 7 लोगों ने भरे थे पर्चे। गांव में सियासी जमीन को मजबूत बनाए रखने के लिए सामान्य और OBC उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं अपने जान पहचान वाले नजदीकी SC ST चेहरे। प्रधान का उम्मीदवार बनाने के लिए गांव-गांव में उम्मीदवार खोजी अभियान में जुटे हैं लोग। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय इंटर कॉलेज में करवाई निबंध प्रतियोगिता।
कोरोना से बचाव एवं प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों पर बच्चों ने लिखे निबंध। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।